चंद्रयान तो चंद्रमा में पहुंच चुका है और एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही कहना। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते पे चल रहे हैं? बन चुका है। आप सोचो ना कि पूरी दुनिया ने हमारे तिरंगे झंडे को 15 अगस्त में लहराया, मान दिया, सम्मान दिया, और अब तो चांद भी हमारा है, अब तो चांद पे भी तिरंगा झंडा लग चुका है। तो मोदी जी का जो एक ड्रीम था, जो सबने देखा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो और हम चांद पे चलेंगे, तो आज वो सपना भी पूरा हो चुका। और कल तो जो मतलब एक्साइटमेंट था वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। देखिए, सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। 3 तलाक मैंने बैन करवाया, पॉलीगेमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ, बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ। लेकिन सरकार जो पहले थी मौन व्रत की और इटली का पास्ता खा रही थी, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया है और क्राइम करवाया है और क्रिमिनल्स को बनाया है। अब क्या हो रहा है ना कि क्रिमिनल्स की ऐसी की तैसी हो रही है। अब क्रिमिनल्स जो है ना वो बिहाइंड द बार जा रहे हैं। हमें भी अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां वोकल कैसे हो सकती हैं, लड़कियां आगे कैसे पहुंच सकती हैं। मुसलमान लड़कियों के भी मुंह में जुबान हो सकता है, मुसलमान लड़कियां भी शिक्षित हो सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए आवाज ऊंची कर सकती हैं। ये अब समझ में आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो मुंह में लड्डू लेकर बैठी थी और सबको टोपी पहनकर टोपी पहना रही थी, ठीक है? तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। आज कहा जाता है कि अरे योगी जी क्या हैं, वो तो सनातनी हैं, वो तो हिंदू हैं। भाई उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि वो अपने धर्म से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके धर्म और भगवद गीता ने उनको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भगवद गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है, भगवद गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है, भगवद गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवद गीता नहीं बताता है। भगवद गीता इंसान को, इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे, मुसलमान मर्द, वो घुस सकता है। मतलब हम तबेला भी हैं, क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एमओयू बन जाता है। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है, वो पता नहीं है। तो इतनी इनसिक्योरिटी जो इस्लाम धर्म के कुरान ने समझाया है, होली वॉर बताया है, जिहाद बताया है, उसके बाद 1000 से ऊपर जंगे बताई हैं, इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवद गीता पढ़ी। अच्छा देखिए, हमारी 5 किताबें हैं आसमान की, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो जब यूसीसी आता है तो ये कहते हैं हम मॉडिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ने भी तो मॉडिफाई किया, अल्लाह ने तो डायरेक्ट कुरान दिया नहीं, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान दिया। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है, तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। तो मैंने ले लिया है। मुस्लिम समाज से आती हैं आप, बेबाकी से खुल के आज हमसे बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वो बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, जो संसद सांसद में आंख मारता है और फ्लाइंग किस करता है, वो कितना बड़ा चरित्रहीन है, ये दुनिया देख रही है और जनता भी समझ रही है। तो ऐसे नेता के बारे में मुझे नहीं बात करने की जरूरत है, मैंने संविधान पढ़ा है। तो मोहब्बत की बात करते हैं। दुकान में तो मोहब्बत बिकती नहीं है, ये तो दिल में होती है, हृदय में होती है। अच्छा। कौन सी दुकान में बिकने लगी मोहब्बत? तब तो हम माँ भी खरीद लेते दुकान से, बच्चा भी खरीद लेते दुकान से। देखिए, राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं,
अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज द रीजन कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने आवाज उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था, हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस और कुछ नहीं। मैम ये बताइए, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने 9 साल में जो काम किया है उस 9 साल के बलबूते 24 में सही लग रहा है कि हैट्रिक मार पाएगी या फिर इस बार राहुल गांधी का चांस लग रहा है आपको? जय श्री राम, जय श्री राम, बस मोदी 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 और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 24, 25, 26, 27, 28, 29